गेहूं की कीमत पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी के जरिए 45 लाख टन गेहूं बेचने के निर्देश का असर दिखने लगा है। 5 नीलामियों में अभी तक 28 लाख टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री की जा चुकी है। इसके चलते गेहूं के मूल्य में स्थिरता आती दिख रही है। नीलामी के दौरान प्राप्त कीमत से पता चलता है कि बाजार अब मंदा हो गया है और यह औसतन 2200 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे आ गया है। गेहूं की नई खरीदारी के लिए MSP 2125 रुपया है। गेहूं की कीमतों महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक सप्ताह ई नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत अभी तक 5 नीलामी में कुल 28.86 लाख टन तक गेहूं की बिक्री हो चुकी है। अगली ई नीलामी 15 मार्च को होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च के पहले तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। 5वीं नीलामी में गेहूं को 2197 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया। पहली नीलामी में 9.1 लाख टन गेहूं 2474 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खुले बाजार में बेचा गया था। दूसरी नीलामी के दौरान 3.85 लाख टन 2338 रुपये प्रति क्विंटल, तीसरी नीलामी में 5.07 लाख टन 2173 रुपये प्रति क्विंटल एवं चौथी नीलामी में 5.40 लाख टन गेहूं 2193 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया था।